हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल। इस वीडियो में हमने एक सेकंड न्यूमेरिकल लिया है, सैनन फेनो कोडिंग प्रोसीजर पे बेस्ड। ठीक है, इससे पहले एक और वीडियो हमने अपलोड किया है, उसका लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो हमारा क्वेश्चन दिया हुआ है, अप्लाई द सैनन फेनो कोडिंग प्रोसीजर एंड कैलकुलेट कोडिंग इफिशियंसी। ठीक है, यहाँ पे हमें एक्स और पी के फॉर्म में कुछ दिया हुआ है, जो कि बेसिकली हमारा पी एक्स वन, पी एक्स टू, पी एक्स थ्री, पी एक्स फोर, पी फाइव, पी एक्स फाइव, पी एक्स सिक्स और पी एक्स सेवन है, जिसको हमने गिवन में लिख दिया है, उसे अब देख सकते हैं। ठीक है, अब क्या करना होता है, हमें एक टेबल फॉर्म किया है, जिसमें हमें पहला स्टेप क्या करना है, सबसे पहला कि जो हमारी जो प्रोबेबिलिटीज दी हुई है उसको पहले डिक्रीजिंग ऑर्डर में अरेंज करके लिख लेना है, तो जैसा कि हमने यहाँ पे कर लिया है। ठीक है, अब क्या करना है, स्टेप वन पे आते हैं सीधे। स्टेप वन पे हमें क्या करना है, इन जो प्रोबेबिलिटी दी हुई है उसका हमें पार्टीशन करना है। ठीक है, पार्टीशन कुछ इस तरह करना है कि पार्टीशन के ऊपर जो टर्म हो और नीचे जितने भी टर्म हो, उन दोनों का अगर सम करें और दोनों का डिफरेंस निकालें तो वो होना चाहिए मिनिमम, मतलब कम से कम होना चाहिए। ठीक है, ऐसा हमें क्या करना है, पार्टीशन करना है। तो अगर पहला पार्टीशन हम लोग करें यहाँ से अगर कर दिया जाए, ये हो गया 0.4 और इतने का अगर सम निकालेंगे तो हमें मिलेगा 0.6, यहाँ से अगर पार्टीशन करें तो। ठीक है, अब 0.4 माइनस 0.6 करेंगे तो डिफरेंस क्या मिलेगा, 0.2 मिलेगा। ठीक है, ये आप कहीं नोट करके रख लेंगे। ठीक है, फिर दूसरा देखते हैं। मान लीजिए यहाँ से पार्टीशन किए, यहाँ से इसको ब्रेक कर दिए, इसका एडिशन क्या हो जाएगा, 0.6 और इतने का हो जाएगा 0.32। ठीक है, दोनों का डिफरेंस क्या होगा, 0.28। तो पहले क्या मिला था, 0.2, अब क्या मिल रहा है, 0.28। तो ये इससे कम है, 0.2 तो छोटा है ना 0.28 से। तो क्या करेंगे हम लोग, मिनिमम, जिसमें मिनिमम डिफरेंस आया उस पार्टीशन को लेंगे। तो पार्टीशन हम कहाँ से करते हैं, यहाँ से करिए। ठीक है, और जब पार्टीशन करेंगे तो स्टेप वन में क्या करेंगे कि जो पार्टीशन के ऊपर जो टर्म है उसको जीरो देंगे और नीचे जितने भी टर्म हैं उनको वन देंगे। तो यहाँ पे हमने दिया इसको जीरो, फिर नीचे वाले को वन 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 वन। ठीक है, यहाँ तक हमारा काम खत्म हुआ। ठीक है, फिर से स्टेप टू पे आते हैं। स्टेप टू पे भी वही प्रोसीजर हमें अप्लाई करना है कि जो बाकी जो वन वन बचा है, जो बाकी जो प्रोबेबिलिटी बचा हुआ है उसको क्या करना है, हमें फिर से पार्टीशन करना है और डिफरेंस क्या होना चाहिए, मिनिमम होना चाहिए। तो मान लीजिए पहले यहाँ से पार्टीशन करते हैं, इसका काम तो हो गया है। अब यहाँ से पार्टीशन करते हैं, 0.2 को लेते हैं और बाकी का सम करेंगे तो क्या मिलेगा, 0.4। 0.4 माइनस 0.2 करेंगे क्या मिलेगा, डिफरेंस हमें पहले मिला 0.2। ठीक है, एक और देख लेते हैं, यहाँ से करते हैं। मान लीजिए यहाँ से करेंगे तो क्या होगा, इसका सम मिलेगा हमें 0.32 मिलेगा, हाँ 0.32 मिलेगा और इतने का सम मिलेगा 0.28 और दोनों का अगर डिफरेंस निकालें तो हमें मिलेगा 0.04। ठीक है, तो पहले में यहाँ से अगर ब्रेक किए तो क्या मिला, 0.2 और यहाँ से ब्रेक किए तो 0.04 मिला। आप यहाँ से भी करके देख सकते हैं लेकिन ज़्यादा मिलेगा आपको डिफरेंस। ठीक है, तो ये हमारा सूटेबल हुआ। तो हम कहाँ से ब्रेक किए, यहाँ से ब्रेक किए स्टेप टू में। ठीक है, फिर से क्या करना है, जो ऊपर जो कोड प्रोबेबिलिटी है उसको कोड क्या देना है, 0.0 देना है और नीचे जो प्रोबेबिलिटी है उनको 1.1.1 देना है। ठीक है, फिर से स्टेप थ्री में आना है। स्टेप थ्री में क्या करना है, पार्टीशन के अंदर पार्टीशन करना है। जैसे यहाँ पे 0.0 है, इसको हम क्या पार्टीशन करते हैं, सिर्फ एक टाइप से कर सकते हैं इसको, यहाँ से ब्रेक कर दीजिए, इसको 1, इसको 0, इसको 1 दे दीजिए। ठीक है, यहाँ तक का हमारा काम हो गया। अब नीचे फिर से ये चार हैं, इनको भी हमें फिर से क्या करना है, पार्टीशन करना है। तो अगर पहला देखें 0.08 और बाकी को लें तो ये तो बहुत बड़ा हो जाएगा। ठीक है, तो दोनों का डिफरेंस बड़ा मिलेगा हमें। ठीक, अभी अगर बात करें यहाँ से लें
इन दोनों का क्या आप एडिशन मिलेगा 0.16, दोनों को प्लस करेंगे तो, और इसको प्लस करेंगे तो 0.12 मिलेगा इन दोनों को। और क्या करेंगे, दोनों को अगर माइनस करते हैं तो क्या मिलेगा, 0.04 मिलेगा। ठीक है, तो यहाँ से अगर हम लोग पार्टीशन करें तो हमें लोवेस्ट वैल्यू मिल रहा है यहाँ से, ठीक है, 0.04। यहाँ से हमने पार्टीशन कर दिया, ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग पार्टीशन के ऊपर वालों को फिर से 0 दे देंगे और नीचे वालों को 1 दे देंगे। ठीक है, लास्ट स्टेप हमारे स्टेप 4, क्योंकि इसके बाद हम पार्टीशन और नहीं कर पाएंगे तो स्टेप 4 तक ही करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे क्या करना है, जो ये जो पार्टीशन के अंदर पार्टीशन करना है, तो इसको सिंपली हम लोग ऐसा और ऐसा पार्टीशन कर दीजिए। ठीक है, इसको क्या कीजिए, ऊपर वाले को फिर से 0 और नीचे वाले को दे दीजिए 1। और कोई पॉसिबिलिटी यहाँ पे तो है नहीं, दो ही टर्म है, क्योंकि उसका पार्टीशन ऐसा ही होगा। ठीक है, यहाँ पे भी 0 1 दे दिया। ठीक, अब कोड कोड वाले कॉलम में हमें क्या लिखना है कि जो प्रोबेबिलिटीज है सारी, उनको कौन कौन सा कोड मिला। तो 0.4 के सामने 0 है तो इसको 0 कोड मिला, 0.2 के सामने 100 है तो इसको कोड मिला 100, यहाँ पे 101 मिला, इसको मिला 1100, 1101, 1110, और इसको मिला 1111। ठीक है, फाइनल कॉलम हमारा नंबर ऑफ बिट्स, जिसको हम लोग रिप्रेजेंट करेंगे NI से। नंबर ऑफ बिट्स क्या है, जो कोड है वो कितने बिट का है, कितने बिट्स का है। ठीक है, तो यहाँ पे 1 बिट का है तो यहाँ पे 1 लिखेंगे, यहाँ पे 3 बिट का है तो यहाँ पे लिखेंगे 3, यहाँ पे भी 3, यहाँ पे 4 डिजिट का हो गया ये तो यहाँ पे लिखेंगे 4, यहाँ पे 4, यहाँ पे भी 4, यहाँ पे भी 4। तो इस तरह हमारा टेबल का काम कंप्लीट हो गया। अब आते हैं फॉर्मूले पे। तो कोडिंग इफिशियंसी का हमारे पास फॉर्मूला होता है, ईटर इज इक्वल टू HX अपॉन L, जहाँ HX है एंट्रोपी एंड एल है कोड लेंथ। तो पहले हम लोग निकाल लेंगे HX, जो कि एंट्रोपी है। HX का फॉर्मूला होता है हमारे पास समेशन माइनस समेशन के इज इक्वल टू 1 टू, यहाँ पे होगा 7, क्योंकि यहाँ पे 7 टर्म दिया हुआ है, 7 प्रोबेबिलिटीज दी हुई है। ठीक है, 7 आप पी के लॉग 2 रहेगा यहाँ पे बेस में, बेस 2 पी के। ठीक है, अब क्या करना है, यहाँ हमें बेसिकली के प्लेस पे 1 से लेकर के 7 तक पुट करना है और सब का हमें सम करना है, लेकिन सामने लगा हुआ है माइनस, तो सम के प्लेस पे हमें क्या कर देना है, माइनस कर देंगे सबको। ठीक है, तो चलिए पुट करते जाते हैं। ठीक है, P1 पुट करेंगे तो P1 log 2 P1 हो जाएगा। ठीक है, तो माइनस में लेके चल रहा हूँ मैं, ठीक है, सबको, क्योंकि बाहर माइनस है तो अगर ब्रैकेट लेकर भी आप सबको प्लस करते हैं तो माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे तो सबको माइनस कर देंगे। ठीक है, तो P1 था हमारा कितना था, 0.4 log 2 0.4। ठीक है, माइनस करेंगे 0.2 log 2 0.2 माइनस 0.12 log 2 0.12 माइनस 0.08 log 2 0.08 माइनस 0.08 माइनस 0.08 log 2 0.08 माइनस करना है लास्ट 0.4 log 2 0.4। ठीक है, इसको कैल्सियम में पुट कर लेना है और इसका सॉल्यूशन हमें निकालना है, तो ये आएगा 2.42 बिट्स पर सिंबल। और हाँ, एक चीज हमें याद रखना है, जब हम लोग लॉग यूज करेंगे तो यहाँ पे लॉग ये वाला यूज करना है, ये। ठीक है, जैसे लिखेंगे माइनस एक माइनस 0.4 log 2 0.4,
फिर से माइनस लिखेंगे और लिखते हुए चले जाएंगे सबको और आंसर करेंगे तो हमें मिलेगा 2.42। ये हमारा एंट्रोपी मिल गया। अब निकालना है कोड लेंथ, कोड लेंथ एल, जिसका फॉर्मूला होता है समेशन ऑफ यहां से आई इज इक्वल टू 1 to 7 होगा पी एक्स आई इंटू एन आई। ठीक है, यहाँ पे एन आई क्या है, जो हमारा टेबल था उसमें जो लास्ट कॉलम था नंबर ऑफ बिट्स वो है क्या है एन आई। ठीक है, तो यहाँ हमें क्या करना है, सिंपली जितने भी प्रोबेबिलिटीज दी हुई है उसको उसके नंबर ऑफ बिट से मल्टीप्लाई कर देना है। ठीक है, और सबका एडिशन कर देना है। तो यहाँ पे सीधे 0.4 इंटू 1 प्लस 0.2 इंटू ब्रैकेट यूज कर लेंगे यहाँ 0.2 इंटू 3 प्लस 0.12 इंटू 3 प्लस 0.08 इंटू 4 प्लस 0.08 इंटू 4 प्लस 0.08 इंटू 4 प्लस 0.04 इंटू 4। इसको फिर से आप कैलकुलेटर से सॉल्व करेंगे तो इसका आंसर मिलेगा, जब आप कंप्लीट सॉल्व कर लेंगे इसको तो मिलेगा 2.48, जिसका यूनिट होता है लेटर्स पर मैसेज, एल का यूनिट। ठीक है, अब क्या करना है, इस एच एक्स और एल को कहाँ पुट करना है, एफिशिएंसी में। तो कोडिंग एफिशिएंसी हमारा क्या मिलेगा, मैं यहाँ पुट कर रहा हूँ, ईटा इज इक्वल टू मिलेगा एच एक्स अपॉन एल। तो एच एक्स है हमारे पास 2.42 अपॉन 2.48। जब इसको सॉल्व करेंगे तो मिलेगा 0.9758। ठीक है, अगर परसेंटेज में लिखेंगे तो क्या होगा, 97.58%। ठीक है, तो ये हमारा मेन आंसर हुआ, क्या हुआ, कोडिंग इफिशियंसी। तो इस तरह हमने सैन एंड फेनो कोडिंग का यूज़ करते हुए कोडिंग एफिशिएंसी निकाल लिया है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।